नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा को लेकर देश के अलग अलग शहरों से 124 स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया था। इसके बाद भी ट्रेनों में लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। छठ पूजा के अलावा दशहरा और दीपावली में यात्रियों की सुविधा के लिए 100 से भी अधिक ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। इसी के साथ अब छठ पूजा में प्रदेश से अपने घर आए लोगों को अपने काम पे वापस जाने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी ना देखनी पड़े उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा करीबन 130 ट्रेनों का परिचालन करवाया गया है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी ट्रेनों का परिचालन करवाया जाएगा। पूर्व मध्य रेल ने बिहार के अलग अलग स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, अमृतसर, कोटा आदि स्टेशनों के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है, जिसको लेकर तैयारी शुरू करवा दी गई है। वहीं रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक करीबन 130 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छठ पूजा खत्म हो चुकी है और अब वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का पूरा लिस्ट तैयार कर लिया गया है। साथ ही ट्रेनों का परिचालन समय के अनुसार निर्धारित भी कर लिया गया है। 5 नवंबर से पटना, गया, जयनगर, धन्यवाद से खुलने वाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन को लेकर तैयारी हो चुकी है। 5 नवंबर से जो ट्रेनें चलने वाली हैं उनका गाड़ी संख्या है 09462 पटना नादिया स्पेशल, जो कि पटना से सुबह 6 बजे खुलकर रविवार को सुबह 10:15 पर नादियाद पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09322 पाटलिपुत्रा इंदौर स्पेशल पाटलिपुत्रा से शाम 6:30 बजे खुलकर रविवार को रात 8:05 पर इंदौर पहुंचेगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 01677 गया नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल गया से सुबह 7:10 पर प्रस्थान करेगी, वहीं रात को 11:35 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 01677 जयनगर आनंद विहार स्पेशल दोपहर 3:00 खुलकर अगले दिन शाम को 7:00 आनंद विहार पहुंचेगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 03317 धनबाद सीतामढ़ी स्पेशल धनबाद से रात 8:00 खुलेगी, वहीं अगले दिन 6:30 सुबह सीतामढ़ी पहुंच जाएगी। और गाड़ी संख्या 03169 कोलकाता हरिद्वार स्पेशल सुबह 5 नवंबर को 11:25 पे खुलकर रात्रि 9:30 पटना में रुकते हुए अगले दिन रविवार को सुबह 6:00 हरिद्वार पहुंच जाएगी। वहीं बात की जाए 6 नवंबर की तो 6 नवंबर को पटना, दानापुर, दरभंगा, सीतामढ़ी से भी छठ स्पेशल ट्रेनें खुलेंगी, जिनकी गाड़ी संख्या 09818 दानापुर कोटा स्पेशल दानापुर से रात 9:30 प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 2:00 कोटा पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 03257 पटना आनंद विहार स्पेशल पटना से रात 10:20 पे खुलेगी, वहीं अगले दिन शाम 3:15 आनंद विहार पहुंच जाएगी। गाड़ी संख्या 05527 दरभंगा आनंद विहार स्पेशल दरभंगा से दोपहर 1:15 पे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1:00 आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। गाड़ी संख्या 03318 सीतामढ़ी धनबाद स्पेशल सीतामढ़ी से सुबह 9:30 खुलकर अगले दिन रात को 9:25 पे धनबाद पहुंच जाएगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 03170 हरिद्वार कोलकाता स्पेशल 6 नवंबर की सुबह हरिद्वार से रात 8:00 खुलकर सोमवार की दोपहर 3:20 पर पटना में रुकेगी और मंगलवार की सुबह 3:35 पे कोलकाता पहुंच जाएगी। वहीं बात की जाए 7 नवंबर की तो 7 नवंबर को रक्सौल दानापुर से खुलने वाले छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों की गाड़ी संख्या 06550 दानापुर यशवंतपुर स्पेशल, जो कि दानापुर से शाम 5:10 पर प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर को 1:30 पर यशवंतपुर पहुंचेगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 05508 जो कि रक्सौल से खुलेगी और कोलकाता पहुंचेगी, इसका समय रात के 9:00 निर्धारित किया गया है, जो कि अगले दोपहर को 1:30 कोलकाता पहुंचेगी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 03435 मालदा टाउन आनंद विहार स्पेशल, जो कि मालदा टाउन की से सुबह 9:05 पर खुलेगी, वहीं शाम को 5:55 पे पटना रुकते हुए अगली दोपहर मंगल को 1:45 पर आनंद विहार पहुंचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।